दोस्तों इस दुनिया में 7.8 बिलियन लोग रहते हैं, ऑफिशियली 195 देश हैं। मजे की बात तो ये है कि हर इंसान एक दूसरे से अलग दिखने में, तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि कोई देश एक दूसरे की तरह कैसे हो सकता है। हर देश की अपनी ही कहानी होती है, कहीं शादी में हंसने को अच्छा माना जाता है तो कहीं शादी में रोने को शुभ कहते हैं। तो हमने भी तय किया कि क्यों ना आपको कुछ ऐसी ऐसी शादी के ट्रेडिशन के बारे में बताएं जिसको देखते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। तो फ्रेंड्स आपसे एक ही रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जो आखिरी के दो पॉइंट्स हैं ना उसके बारे में देखकर तो आपके पैरों तले जमीन ही खिसक जाएगी। नंबर वन, सबसे पहले हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर कि हंसना ही मना है। जी हां, आपने सही सुना, यहां पर कोई हंस नहीं सकता है। वेल फ्रेंड्स, बात यह है कि कोंगो देश जो कि अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में आता है ना, वहां पर नियम है कि कोई भी इंसान अपनी शादी में हंस नहीं सकता है। जी हाँ, ना तो लड़का और ना ही लड़की। हमारे देश में अगर शादी के दिन ना हंसो तो लोग कहते हैं कि लड़का लड़की खुश नहीं है लगता है। लेकिन कोंगो में उल्टी गंगा ही बहती है। आपको बता दें कि इस देश में शादी के समय इसलिए लड़का और लड़की को हंसने से मना किया जाता है क्योंकि उनके हिसाब से हंसने वाले लोग सीरियस नहीं होते हैं। अजीब बात है यार। जी हाँ, यही वजह है कि शादी के दिन लड़का और लड़की को बिल्कुल भी हंसने की आजादी नहीं है। दादी दोस्तों, आपको यही बता दूं कि यहाँ पर शादी के समय कोई कुछ बात नहीं करता क्योंकि उनके अनुसार लड़का और लड़की को किसी भी तरह से डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। क्या बात है, वैसे दुनिया के बाकी देशों में बिना हंसे शादी हो ही नहीं सकती है कि नहीं दोस्तों। नंबर टू, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां पर कि शादी के दिन लड़की के ऊपर थूका जाता है? जी हाँ, ये सच्चाई है। आपको बता दें कि इस देश का नाम है केन्या। आपने केन्या में मसाई ट्राइब के बारे में तो सुना ही होगा। अगर आप इनकी शादी के बारे में भी जान जाएंगे तो समझिए कि आपका शादी के ऊपर से यकीन कम हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आपको शादी से डर लगने लग जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मसाई ट्राइब में जब किसी लड़के की शादी लड़की से होती है तो पहली बात तो यह है कि आप अपनी चॉइस की लड़की से शादी नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि शादी के दिन लड़की के बाल को काट दिया जाता है। जी हाँ, लड़की को टकला कर दिया जाता है और उसके बाद लड़की के पिताजी लड़की के मुंह पर और चेस्ट पर थूकते हैं। जानते हैं ऐसा क्यों किया जाता है? यहाँ के लोगों का मानना है कि ऐसा करने से उनकी बेटी और दामाद बिल्कुल ठीक रहेंगे। हर देश की अपनी अपनी सोच है यार। नंबर थ्री, अब हम आपको बताते हैं एक और देश के बारे में रोचक जानकारी। आपको बता दूं कि फिजी देश में कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में जब आप जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। आपको बता दें कि फिजी देश में ऐसा नहीं है कि शादी के दिन ही अजीबोगरीब रिवाज देखने को मिलता हो। आप समझिए कि इस देश में से पहले से ही इसकी शुरुआत हो जाती है। जानते हैं यहाँ के लड़कों को क्या करना पड़ता है? जिस भी लड़की से इन्हें शादी करनी होती है ना, उसके पिताजी यानी कि अपने फ्यूचर ससुर जी को इन्हें वेल्स टूथ यानी कि वेल्स की एक दांत गिफ्ट के तौर पर दी जाती है, जिसे कि ताबुया कहा जाता है। कहते हैं कि इसके लिए लड़के का परिवार कई साल पहले से तैयारी में लग जाता है। जी हाँ, जब लड़का अपने होने वाले ससुर जी को वेल्स की एक दांत देता है तो उसके बाद भी उनकी मर्जी होती है कि वो अपनी बेटी की शादी उस लड़के से करवाना चाहते हैं कि नहीं। लेकिन माना जाता है कि 99% केसेस में यकीनन शादी जो है वो हो ही जाती है। नंबर फोर, अब हम आपको एक ऐसी ही रीति रिवाज दिखाते हैं जो कि मनाई जाती है स्कॉटलैंड के लोगों के द्वारा। जी हाँ, यहाँ की बात ही सबसे अलग है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि यहाँ पर शादी से पहले लड़कियों को काले रंग से पोत दिया जाता है? जी हाँ, अगर यही काम हमारे देश में हो तो लड़ाई हो जाएगी। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि हर देश की अपनी अपनी सभ्यता होती है, दोस्तों स्कॉटलैंड में शादी करने वाली लड़की के साथ बहुत गलत तरीके से काले रंग से उसे ऊपर से नीचे तक पोत दिया जाता है। कहते हैं कि इसमें उसके दोस्त ही शामिल होते हैं। आपको बता दें कि ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि शादी के बाद अगर उसे कोई बेइज्जत करे तो वो मेंटली प्रिपेयर रहे। जी हाँ, इनका मानना है कि जब काले रंग से किसी लड़की को पोत दिया जाता है ना, तो उनमें सहने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है और ऐसे में दोस्तों शादी के बाद कोई उनके ऊपर टोंट मारता है ना, तो वो उसे झेल लेती है। क्या बात है। नंबर फाइव, चीन देश की बात तो सबसे अलग ही है। अब हम आपको बताते हैं कि इस देश में किस तरह से शादी से एक महीने पहले एक ऐसा नियम बनाया जाता है जिसके बारे में सुनकर आपको बहुत हंसी आ सकती है। जी हाँ, यहाँ का नियम यह है कि हर लड़की को अपने शादी से ठीक 30 दिन पहले से हर रोज 1 घंटे तक रोते ही रहना है। जी हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हर लड़की को इस नियम को फॉलो करना है। आपको बता दूं कि जो इस नियम को नहीं मानते ना, उन्हें समाज से अलग कर दिया जाता है। मजा तो तब आता है जब पता चलता है कि 21 दिन पहले लड़की के साथ उसकी माँ और घर की बाकी महिला भी रोने लग जाती हैं। कहा जाता है कि आप जितनी मर्जी मस्ती कर लो लेकिन 1 घंटे आपको खूब रोना है। क्या बात है, इसे कहते हैं चीनी लोगों का नाटक। दोस्तों जानते हैं ऐसा क्यों किया जाता है? जी हाँ, ऐसा बस इसलिए किया जाता है ताकि फ्यूचर में लड़की को कभी भी रोने की जरूरत ना पड़े। नंबर सिक्स, अब हम आपको बताते हैं कि रोमानिया में शादी से ठीक पहले क्या होता है। जी हाँ, कहा जाता है कि यहाँ पर लड़की को शादी से पहले किडनैप कर लिया जाता है। आपको लग रहा होगा कि ये क्या बात हुई,
लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों, यहाँ पर लड़की को किडनैप कर लिया जाता है और उसके बाद उसके होने वाले लड़के से डिमांड की जाती है कि आप बदले में कुछ चीज हमें दें। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये तब होता है जब शादी के सिर्फ एक या दो दिन बाकी होते हैं। सबसे मजेदार बात तो ये है कि लड़का अपनी होने वाली वाइफ को छुड़ाने के लिए जाता है और सबको पार्टी देता है। जी हाँ, पार्टी में शानदार खाना खिलाया जाता है और उसके बाद लड़का सबके सामने डांस करके भी दिखाता है। माना जाता है कि ये इसलिए होता है ताकि चेक किया जाए कि लड़का अपनी होने वाली वाइफ से कितना प्यार करता है। अच्छा है हमारा देश यार, क्योंकि लड़के की जो सालियां होती है वो जूता चुरा कर ही खुश है। नंबर 7, दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि साउथ कोरिया में शादी के दिन क्या होता है। जी हाँ, यहाँ भी लड़के को ही शिकार बनाया जाता है। दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दूं कि कोरिया में इस बात को बहुत सीरियसली लिया जाता है कि फर्स्ट नाइट में किस तरह से लड़का अपनी वाइफ के सामने परफॉर्मेंस देता है। जी हाँ, यही वजह है कि यहाँ पर लड़के को कुर्सी से बांध दिया जाता है और उसके बाद उसके फीट पर डंडे से पिटाई की जाती है। कहा जाता है कि ये इसलिए भी जरूरी है ताकि लड़का जो कर रहा है वो फर्स्ट नाइट का पेन खुद भी झेल सके। कई बार समझ में नहीं आता है कि दुनिया में किस तरह के ट्रेडिशन फॉलो किए जाते हैं यार, है कि नहीं दोस्तों? लड़के की फीट को मछली से भी मारा जाता है। समझ नहीं आता कि क्या क्या लोग करते हैं शादी से पहले। नंबर 8, वेल दोस्तों आपको बता दूं कि कनाडा की बात ही अलग है। जी हाँ, यहाँ के लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत फन लविंग होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के लोग अपने शादी के दिन ही सबके सामने डांस परफॉर्मेंस देते हैं। जी हाँ, इस परफॉर्मेंस में लड़की की तरफ से भी लोग होते हैं और लड़के की तरफ से भी। कहा जाता है कि इसमें उन्हें इनवाइट किया जाता है जो कि लड़के और लड़कियों से उम्र में बड़े होते हैं और जिनकी शादी अब तक नहीं हुई होती है। लगता है कि अनमैरिड लोगों को बेइज्जत करने के लिए इस तरह का इवेंट रखा जाता है। क्या बात है, कहते हैं कि इसमें जमकर डांस किया जाता है और जमकर पार्टी होती है। नंबर 9, अब हम आपको बताते हैं एक और ऐसे ट्रेडिशन के बारे में जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, क्या आप यकीन कर सकते हैं, स्पेन में जब किसी लड़की की शादी होती है ना तो उसके अगले दिन ही उसे रिसेप्शन पार्टी देनी होती है। जी हाँ, लेकिन उसी वक्त उसके दोस्त लड़के की टाई को काट देते हैं। आप समझिए कि सबके सामने लड़के की टाई को काटा जाता है। जानते हैं उस समय ये क्या करते हैं? लड़के की टाई को और कई टुकड़ों में काटते हैं और उसके बाद उसकी ऑक्शन की जाती है। कहा जाता है कि ऑक्शन से जो पैसे आते हैं उसी की मदद से लड़का और लड़की को बाहर यानी कि हनीमून पर भेजा जाता है। क्या बात है। नंबर 10, दोस्तों अब हम आपको बताते हैं चाइना में शादी के बाद 3 दिनों तक क्या होता है। जी हाँ, क्या आपसे अगर मैं ये कहूँ कि आपको एक दिन तक टॉयलेट का इस्तेमाल नहीं करना है तो क्या आप ऐसा कर पाएंगे? नहीं ना। लेकिन दोस्तों आपको हम बताते हैं कि चीन में क्या होता है। जी हाँ, यहाँ पर कहा जाता है कि जिसकी भी शादी होती है ना उसे अपनी वाइफ के साथ शादी के बाद 3 दिनों तक टॉयलेट यूज नहीं करने को कहा जाता है। सोचिए दोस्तों कि ये किस तरह की बात हुई। जी हाँ, कहते हैं ये ट्रेडिशन चीन के कई एरिया के लोग फॉलो करते हैं। कहा जाता है कि जो इसे फॉलो नहीं करता है ना इसका मतलब यह है कि आपकी शादी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी। बाथरूम नहीं जाने से यार आपकी शादी बच जाएगी। क्या बात है यार। नंबर 11, अब हम आपको बताते हैं कि साउथ अफ्रीका में शादी को लेकर किस तरह का ट्रेडिशन है। जी हाँ, ये बहुत ही प्यारा ट्रेडिशन है और यकीन मानिए कि आपको बड़ा मजा आने वाला है इसे सुनने में। कहा जाता है कि लड़के और लड़की दोनों के घर से आग लाया जाता है। जी हाँ, और शादी के बाद जहाँ न्यूली मैरिड कपल रहते हैं ना यानी कि उनके नए घर पर पहली बार इसी आग से खाना बनाया जाता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि ऐसा करने से दोनों के बीच में बहुत प्यार रहता है। नंबर 12, चीन का ही एक और रिवाज हम आपको दिखाते हैं। जी हाँ, कहा जाता है कि चीन में जब भी किसी की शादी की डेट को फिक्स किया जाता है ना तो कहा जाता है कि सबसे पहले चिकन की बलि दी जाती है और उसके बाद जब चिकन की लीवर को चेक किया जाता है और अगर लीवर हेल्दी है तब जाकर शादी की डेट तय की जाती है। क्या बात है यार, कहते हैं कि उससे पहले कोई भी शादी की डेट तय नहीं कर सकता है। नंबर 13, दोस्तों फ्रांस देश में भी शादी को लेकर एक बहुत ही अजीब सी परंपरा निभाई जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज के दिन भी इस देश में कई ऐसी जगह हैं जहां पर शादी के दिन लड़कों से कहा जाता है कि आपको खूब सारा अल्कोहल पीना है, लेकिन ग्लास ऐसी देते हैं जो कि टॉयलेट की शेप की होती है। जी हाँ, इसे देखकर लगता है कि आप अल्कोहल नहीं बल्कि कुछ और ही पी रहे हैं। ये ट्रेडिशन आज भी फ्रांस में कई जगह पर मनाया जाता है। जो नहीं पीता है उसे कहा जाता है कि तुम्हारी शादी पर एविल की नजर है। नंबर 14, अब हम आपको बताते हैं कि जर्मनी देश में शादी को लेकर क्या रीति रिवाज है। जी हाँ, यहाँ पर लड़के और लड़की के फैमिली वाले लोग एक रेस्टोरेंट में इकट्ठा होते हैं और वहाँ पर पड़े सभी प्लेट और ग्लास को तोड़कर चले जाते हैं और उसके बाद न्यूली मैरिड कपल्स को इसे साफ करने की जरूरत होती है। जी हाँ, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि लड़का और लड़की आपस में मिलकर घर की सफाई करना सीख लें। नंबर 15, दोस्तों अंत में हम आपको दिखाते हैं चेकोस्लोवाकिया की कहानी। जी हाँ, ये बात तो सब जानते ही हैं कि शादी के बाद घरवाली की यही इच्छा होती है कि जल्दी घर में बच्चा भी आ जाए। जी हाँ, इसीलिए इस देश में न्यूली कपल के बेड में छोटे बच्चे को लेटा दिया जाता है। जी हाँ, ये होता है तरीका ताकि न्यू कपल भी जल्दी नए बच्चे को जन्म दे दे। क्या बात है यार।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज ही इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।